Hello students, my name is Sipra Gupta from SKLGT Public School. Today I teach you about the second chapter of economics, sectors of the Indian economy. Last topic में मैंने आपको पढ़ाया था कि organized और unorganized sectors क्या होते हैं, disguised unemployment क्या होता है और उसके बारे में बताया था. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर क्या होता है और प्राइवेट सेक्टर क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस है. अगर आप पब्लिक सेक्टर्स की बात करें कि जो जॉब्स किसके द्वारा होती, गवर्नमेंट ऑन द मोस्ट ऑफ द असिस्ट प्रोवाइड द सर्विसेज, जो हमें जितनी भी जॉब्स हैं जो गवर्नमेंट्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं वो कैसी जॉब्स कहलाती हैं, पब्लिक सेक्टर्स वाली जॉब्स कहलाती हैं. और इसमें जो गवर्नमेंट होती है उनका मेन मोटिव होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या प्रोवाइड करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना. क्या प्रोवाइड करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसे कि रेलवेज है, पोस्ट ऑफिस है, सेंट्रल स्टेट और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो जॉब्स होती है वो किस सेक्टर का पार्ट होती है, पब्लिक सेक्टर का पार्ट होती है. लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स जो होते हैं वो किसके द्वारा ऑन किए जाते हैं, जो उसके ऑनर होते हैं वो ऑन मोस्ट ऑफ द असिस्ट एंड द प्रोवाइड्स वो प्राइवेट इंडिविजुअल ग्रुप या इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा ये इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप की जाती है, जैसे कि टिस्को है, रिलायंस है, ये सारी टाटा ग्रुप, ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो इंडिविजुअल पर्सन की है. और इनका जो मेन मोटिव होता है प्रॉफिट, कि इनका मेन मोटिव क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना. लेकिन पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में यही डिफरेंस होता है कि गवर्नमेंट्स का यहाँ पर मोटिव है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करना, और प्राइवेट सेक्टर्स का ज़्यादा से ज़्यादा मोटिव क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना. There are the several sector in which only the government is the able, the invest and manage. कुछ sectors ऐसे हैं जिनको सिर्फ government के द्वारा ही क्या किया जाता है, manage किया जाता है. क्योंकि ये जो sectors होते हैं बहुत बड़े sectors होते हैं और government इन sectors के through लोगों को क्या provide करती है, लोगों को जो subsidies है वो provide करती है. Certain things are the needed by the society and whole the private sector will not provide the reasonable कॉस्ट. क्योंकि ये जो सर्विसेज हैं जो प्राइवेट अगर सेक्टर है वो इतने रीजनेबल प्राइस में क्या नहीं कर पाएगा, लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पाएगा. आपने एग्जांपल आपको देखते हैं, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएंगे, आप 10 रुपये में आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा. क्या आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में 10 रुपये में खड़े भी नहीं हो सकते हैं. किसी भी आप प्राइवेट आप स्कूल में जाएंगे वहाँ पर आपको हजारों रुपये खर्च होते हैं एडमिशन के लिए, लेकिन आप गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पर बिना पेमेंट के आपसे क्या होता है, आपसे एडमिशन लिया जाता है, वहाँ पर कोई भी खर्चा आपसे नहीं होता है. तो यही हमारा क्या होता है, पब्लिक सेक्टर होता है. फोर्थ ऑफ द सम सेक्टर सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट इज द एसेंशियल. और यही क्या होते हैं, गवर्नमेंट के जो इसेंशियल कुछ आवश्यक जो सेक्टर्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी है, कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी आपको उतने कम रेट में प्रोवाइड करा देगा जितने की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. रूरल एरियाज में देखा जाए तो गवर्नमेंट्स होती है, जो फार्मर्स होते हैं, जो BPL लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, उन लोगों को फ्री में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, भाई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे, ये तो आप देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट ही ये काम कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट किसानों से ज़्यादा प्राइस में क्या करती है, गेहूं वीट परचेज करती है और उसके बाद उसको 20 रुपये मान लो उसने फार्मर से परचेज किया और 5 रुपये में 4 रुपये में क्या करती है लोगों को, वह क्या की जा करती है, वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं. तो सब्सिडी जो प्रोवाइड कर रही है वो सिर्फ कौन ही कर सकता है, वो गवर्नमेंट ही कर सकती है. LPG पे हमें सब्सिडी मिलती है, हेल्थ पर सब्सिडीज मिलती हैं और भी, और एजुकेशन पर सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती हैं. तो ये सारे जो सेक्टर्स हैं वो किसके सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, और जिन पर गवर्नमेंट का सिर्फ मेन एक मोटिव है कि लोगों तक बेसिक नीड्स प्रोवाइड करना, और क्या प्रोवाइड करना, कि जो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करना. सम एक्टिविटीज़ आर द प्राइमरी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट बी सपोर्ट ऑफ द दीज. कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हमें क्या करती हैं, गवर्नमेंट जो है हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है गवर्नमेंट की, वो लोगों तक क्या करना, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन और पुलिस. भाई पुलिस का क्या काम होता है, पुलिस जो होती है वो लॉ एंड ऑर्डर को सोसाइटी में क्या करती है, मेंटेन करती है. तो इन सारे सेक्टर्स में सर्विसेज जो निकालना है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. इसके साथ ही हमारा आज ये चैप्टर फिनिश होता है. थैंक यू.